तो अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप भी एक व्लॉगर बन सकते हो एंड मेरी तरह आप चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है एक एंड्रॉयड फ़ोन की एंड विदाउट माइक, विदाउट ट्राइपॉड, विदाउट एनी इक्विपमेंट आप एक अच्छा व्लॉग बना सकते हो जिसपे काफ़ी अच्छी व्यूज़ भी आ सकती है। सो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन से व्लॉग कैसे बनाया जाता है एंड एक हाई क्वालिटी व्लॉग कैसे बनाया जाता है। सो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको एंड में ये भी बताऊँगा कि व्लॉग को एडिट कैसे करना है, उसका नॉइज़ वगैरह कैसे रिमूव करना है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो एंड तक वीडियो को देखना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक मोटोरोला के फ़ोन से व्लॉग बनाता था जिसका कैमरा बहुत ही गंदा था। उसके बाद मैंने स्विच किया रेडमी नोट 11 एस पे एंड अभी मैं करेंटली यूज़ करता हूँ इन्फिनिक्स का नोट 35G। ये बहुत ही एवरेज सा एंड्रॉयड फ़ोन है, 16-17 हज़ार का आता है। तो अगर आपके पास भी अगर नॉर्मल सा 10-12 हज़ार का भी फ़ोन है तो आप अच्छा व्लॉग बना सकते हो बेटर क्वालिटी का। बस आपको ज़रूरत है आपके फ़ोन की। फ़ोन में आपको जस्ट कैमरा ऐप पर जाना है, कैमरा ऐप पे जाते ही आपको वीडियो पे स्विच करना है एंड आपको व्लॉग हमेशा ऐसे 16:9 के रेशियो में बनाना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपके फ़ोन में स्टेबलाइजेशन ऑन हो। स्टेबलाइजेशन अगर ऑफ होगा तो आपका फ़ोन का जो फुटेज है वीडियो वो हिलता डुलता आएगा एंड स्टेबलाइजेशन अगर ऑन होगा तो वीडियो काफ़ी स्टेबल आएगा, हिलता डुलता नहीं आएगा। तो आपको ट्राईपॉड या गिम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको रिजोल्यूशन देखना है। आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में, आई होप आपको दिख रहा होगा, मेरे फ़ोन में हाईएस्ट रिजोल्यूशन है 2K 30fps तक। बट मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम यह है कि 2K 30fps पे मेरा स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करता। मुझे अगर स्टेबलाइजेशन ऑन करना है तो 1080p 30fps तक ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस वजह से मैं जो व्लॉग्स बनाता हूँ वो हमेशा 1080p 30fps के ही होते हैं। मैं उसको आफ्टर एडिटिंग में उसका रिजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि एडिटिंग के वक्त कैसे रिजोल्यूशन बढ़ाना है। एडिटिंग में 2K में करता हूँ। सो यस, तो आपको हमेशा याद रखना है आपका स्टेबलाइजेशन ऑन हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा हमेशा बैक कैमरे से थोड़ा सा लो होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा बैक कैमरा से व्लॉग करो। ऐसे आपका बैक कैमरा है, बैक कैमरा से आपको कभी भी बात करना है, क्योंकि आप फ्रंट कैमरा से बनाओगे आपका क्वालिटी थोड़ा लो हो जाएगा। चाहे आपके पास आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, आपका बैक कैमरा ही ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप हमेशा व्लॉग बैक कैमरा से बनाओ, ठीक है। आप कुछ दिन तक व्लॉग करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैमरा में कितना क्लिप, कितना क्या दिख रहा है और कितने आप दिख रहे हो, कितना स्पेस आ रहा है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब आपने व्लॉग कैमरा स्टार्ट कर दिया बैक कैमरा से व्लॉग बनाना। आपको कोशिश करना है कि आपका हाथ जितना कम से कम हिल सके उतना बेटर क्वालिटी आएगा। एंड उसके बाद आप वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको एडिटिंग में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे नॉइज़ वगैरह रिमूव करना है, क्योंकि मैं कोई माइक का यूज़ नहीं करता, मैं कोई ट्राईपॉड का यूज़ नहीं करता या मैं कोई अदर इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करता। जस्ट मेरा फ़ोन, मेरे फ़ोन का कैमरा एंड मेरा हाथ, इसी से मैं व्लॉग बनाता हूँ एंड मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है जस्ट 20 वीडियोज़ में। 20 वीडियो मैंने अपलोड किए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, आपका भी हो सकता है। तो एंड तक पूरा वीडियो देखना। तो इतना आई होप आपको समझ गया होगा कि आपको बस फ़ोन से बैक कैमरा से शूट करना है खुद को। और आपको अगर फ्लिप करना है, आपने देखा होगा कि बहुत लोग व्लॉग करते करते कैमरा फ्लिप करते हैं, लाइक दूसरा दिखाते हैं, तो आप ऐसे फ्लिप कर सकते हो। पहला ये इसका पहला तरीका ये होता है फ्लिप करने का कि ऐसे व्लॉग चल रहा है एंड आपको ऐसे फ्लिप करना है। एक बार इधर से दिखा दे, आप ऐसे व्लॉग कर रहे हो एंड आपको समझो सडनली सामने का फुटेज दिखाना है, तो आप ऐसे फ्लिप कर सकते हो, यू नो, ऐसे। या फिर आपको ऐसे नहीं जम रहा तो आप सिंपली ऐसे व्लॉग कर रहे हो एंड थोड़ा पास से ले। अगर आप ऐसे व्लॉग कर रहे हो, आपको ये वाला तरीका नहीं जम रहा, तो आप ऐसे व्लॉग करते करते ऐसे भी फ्लिप कर सकते हो। ऐसे सिंपली आप ऐसे फ्लिप करोगे तो आपका वीडियो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, बट आपको एडिटिंग में वो कट करके सीधा करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि कंटिन्यूस फुटेज चाहिए, आपको कट नहीं करना, तो आप सिंपली ऐसे फ्लिप कर सकते हो, ऐसे। सी, तो ये एक बहुत बेटर लाइक टेक्निक होता है। अगर आपके पास ट्राईपॉड वगैरह है तो अच्छी बात है, बट लोगों को बाहर ट्राईपॉड लेके घूमना पसंद नहीं होता, इस वजह से लोग हाथ से प्रिफर करते हैं एंड हाथ से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट कि अगर आप फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप फ़ोन से व्लॉग कर रहे हो, तो आपको नॉइज़ की इशू होगी, क्योंकि किसी भी आईफोन वगैरह का कैमरा अच्छा होता है, नॉइज़ रिडक्शन अच्छा होता है, बट किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का नॉइज़ रिडक्शन उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको नॉइज़ रिड्यूस करना है कि बैकग्राउंड में शोर है, ट्राफिक का शोर है या लोगों का शोर है, तो आप उसे कम कर सकते हो। कैसे? एडिटिंग के थ्रू, किसी भी सॉफ्टवेयर में। अगर आप फ़ोन से एडिटिंग करते हो उसमें भी हो जाएगा, अगर आप लैपटॉप से करते हो उसमें भी हो जाएगा,
जाएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, बट आई होप आपको व्लॉग करना समझ गया होगा कि अभी तक कैसे व्लॉग करना है। एक बार मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ। आपको आपका सिंपली फ़ोन लेना है, आपके फ़ोन में कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन करके आपको जस्ट ऐसे टिल्ट कर लेना है फ़ोन को। हमेशा व्लॉग ऐसे ही बनता है, ऐसे व्लॉग नहीं बनता है, व्लॉग हमेशा ऐसे बनता है। आपको सिंपली ऐसे करना है एंड स्टार्ट हो जाना है व्लॉग करना। अगर आपके फ़ोन में वाइड एंगल है तो आपका ज़्यादा बैकग्राउंड कवर होगा, वाइड एंगल नहीं है तो भी एक डिसेंट अमाउंट कैप्चर हो जाएगा, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा वाइड एंगल ऑन नहीं है, ये नॉर्मल है। इसमें आपको जितना फुटेज दिख रहा होगा वो इनफ होता है व्लॉगिंग के लिए। एंड आपको अगर फ्लिप करना है आप सिंपली ऐसे फ्लिप कर सकते हो। सी, मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ एंड मुझे अगर फ्लिप करना है मैं सिंपली ऐसे फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है व्लॉगिंग करने का। देन अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं, आपको कहीं फ़ोन रख के व्लॉग करना है, तो सिंपली हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं। आपको किसी भी पत्थर पे या किसी भी चीज़ पे ऐसे फ़ोन रख देना है, वो तो सभी को आता होगा, वो मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे फ़ोन रख देना है एंड आपको बस स्टार्ट हो जाना है जो भी आपको करना है। सो ये व्लॉग करना बहुत ही ईजी है। अब बात करते हैं कि व्लॉग में बात कैसे करना है। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता पब्लिक में बात करने का, या अकेले भी हो तो समझ में नहीं आता कैमरा में बोलूं क्या। तो आपको व्लॉग में सिंपली आपको पहले सोच के रखना है कि आपको क्या बोलना है। एंड अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो तो आपको भूल जाना है कि आपके आसपास पब्लिक है, तभी आप एक फियरलेस व्लॉगर बन सकते हो। वरना आप हेजिटेट करते रह जाओगे। तो आपको एक टाइम पे ये ध्यान ही नहीं देना है कि आसपास आपके लोग चल रहे या क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। आप सिंपली अपने लिए व्लॉग कर रहे हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए व्लॉग कर रहे हो। आपको बस चलता है और ऐसे आपको चलते चलते बात करते रहना है। कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। सो दैट्स इट। एंड ये व्लॉग करने का एक परफेक्ट तरीका होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा मेरे घर, मेरे एडिटिंग टेबल पे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एडिट होता है, कैसे नॉइस रिड्यूस करना है, कैसे अगर आपका स्टेबल, आपका फुटेज समझो हिलता डुलता आ गया ऐसे, ठीक है, आपका हिल रहा है तो इसको भी कैसे स्टेबलाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सिंपल तरीके से। सो यस, दैट्स इट। अब सीधा चलते हैं एडिटिंग के इधर। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि एडिट कैसे करना है व्लॉग को। देखिए, आप फ़ोन से करो, लैपटॉप से करो, सेम प्रोसेस है। मैं कोई हाई लेवल का सॉफ्टवेयर नहीं बताने वाला आपको, सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। आप सेम प्रोसेस फ़ोन में भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप में भी कर सकते हो। मैं आपको लैपटॉप में करके दिखाता हूँ। सो ये है मेरा लैपटॉप एंड अब देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर है, एक प्रीमियर प्रो है, एक कैपकट है। मैं मोस्टली प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ एंड कैपकट भी यूज़ करता हूँ, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे कुछ और भी है सॉफ्टवेयर से, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप। तो मैं आप लोगों को ये अडोबी सॉफ्टवेयर नहीं बोलूँगा यूज़ करने, क्योंकि ये एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, परचेज़ करना पड़ता है। सो आप बेटर है कि आप कैपकट यूज़ करो, कैपकट आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। बिगिनर्स के लिए कैपकट काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको सिंपली कैपकट ओपन करना है, आपका कैपकट ऐसे ओपन हो जाएगा। सी, आप देख सकते हो मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स आज तक कैपकट में एडिट किए हैं एंड प्रीमियर प्रो में फिर अलग है। सो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। आपको न्यू प्रोजेक्ट पे ऐसा आपको पैनल आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना है आपका फाइल। हम जैसे कि आज की ही वीडियो ओपन करते हैं जो हमने आपको पहले दिखाई है पहले के क्लिप्स में, वो वीडियोस मैंने कहाँ सेव किया था, हाँ इसमें। तो देखिए ये आज की सारी वीडियोस हैं, इसमें से ही मैं आपको एक इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन करना, या डबल टैप से भी हो जाएगा, ये आपका वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस पे आओगे, आपका टाइमलाइन पे आ जाएगा ये वीडियो, प्ले करो। तो अगर आपके पास है एक एंड्रॉइड मोबाइल तो आप भी मेरी तरफ। सी, ये आपका आया। अब मैं आपको बताता हूँ नॉइस कैसे रिड्यूस करना है। आपको सिंपली वीडियो है ना, और यहाँ पे ऑडियो वाले सेक्शन पे आना है। ऑडियो में जाओगे आप, ऑडियो में जाके नीचे देखना है आपको नॉइस रिडक्शन। आप ये नॉइस रिडक्शन कर दोगे आपके जो पीछे का जो भी साउंड रहेगा नॉइस, खैर यहाँ पे तो नहीं था जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था बैकग्राउंड नॉइस उतना, बट अगर आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में हो तो ये फीचर आप यूज़ करना, आपका बैकग्राउंड नॉइस हट जाएगा। एंड ये तो हो गया। अब इफ़ सपोज़ आपका वीडियो हिलता डुलता है, ठीक है, उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो आपको यहाँ वीडियो पे आना है एंड स्टेबलाइज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। सी, स्टेबलाइज करोगे ये प्रोसेसिंग 100% हो जाएगा, आपका फुटेज पूरा एकदम स्टेबल हो जाएगा।
तो मेरा फुटेज पहले से ही स्टेबलाइज था, तो मैं इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा हूँ। देन इसमें कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे, यू नो, एंड इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इसमें एक बेसिक एडिटिंग, व्लॉग एडिटिंग कर सकते हो। व्लॉग एडिट करने में कोई भी बड़ा, यू नो, एडिटिंग सीखने का ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक एडिटिंग, आप फ़ोन मोबाइल में भी कैपकट का ऐप होता है, आप उस ऐप को यूज़ करके नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हो फ़ोन में भी, एंड वहाँ पे भी सेम फीचर्स होते हैं। सो यस, आप ऐसे व्लॉग बना सकते हो। एंड मेरे व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करो। मैंने पानी के अंदर में भी व्लॉग बनाया है फ़ोन से, स्विमिंग पूल में। सो वो सब देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करो। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा व्लॉग मैं कैसे बनाता हूँ और आप कैसे बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं सबको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।